हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं रेडी हो गई हूँ मैं, और ये सुबह सुबह पी रही हूँ ग्रीन टी, जो कि है कहवा फ्लेवर और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो मैं मेरी ग्रीन टी को ख़त्म कर लेती हूँ। जितने में चिकू आ जाएंगे नहाकर, तो साथ में कॉफ़ी पियेंगे। तब तक 1 घंटा लगेगा वैसे उनको नहाने में। तो अभी हो चुकी हूँ मैं कंप्लीट रेडी और ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गए। अभी जा रहे हैं मंदिर, तो मंदिर दर्शन करके आ जाते हैं। और बाहर चल रहा है पेंटिंग का काम। सुरेश भैया, आपका कितना योगदान है? गलत खड़ी रखी। बड़े दिनों के बाद आज मंदिर आया जा रहा है। चूड़ी करवा लूं। बड़े समय बाद मंदिर आके बहुत अच्छा लग रहा है ना। ये इतना मिस क्यों हो गया, इतना गैप पड़ गया? दिवाली के बाद आएंगे तो क्या? अलग ही सुकून है एकदम। हाँ, ये तो बन गया है, अब उसके अंदर भराव कर देंगे। पर ये पाइप क्यों रखते हैं? चलो पानी निकलना। बड़ी मेहनत के साथ कार्य करते हुए सुरेश भाई से जो तो उतावली हुई हूं। अरे यार, ये कलर में है, ये पानी ज्यादा गर्म થઈ ગયું મને इस लागे। कलर भी बिल्कुल अलग पड़ी गयो है। पानी फुल गर्म पड़ी गयो। रोज बनता है पर आता है नहीं, आता पता नहीं। नहीं आता है ना, आप देखते नहीं हो। इसका मतलब कौन खाली उठाता हो? टाइम बस नहीं हमको। हां भाई, कौन उठाने का टाइम है मेरा? घर के बाहर टाइल्स पे कलर हो रहा है, क्योंकि ये शादी बस आने वाली है 2-3 दिनों में। और अभी हम मंदिर जाके आ गए। अब खाना वगैरह बनाते हैं और फिर चलना है शॉप पर। और आज भी कुछ काम है वो करना। आज तो खुद का सेल्फ भी थोड़ा थोड़ा काम है। आईब्रो वगैरह बना देते हैं, वगैरह वगैरह कर देते हैं, क्योंकि शादी में मुझे टाइम नहीं मिलने वाला है। खाना आधा अधूरा बना के शादी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। लहंगे वगैरह निकाल रही हूँ, देख रही हूँ ब्लाउज़ की फिटिंग चेंज वेंज तो नहीं हो गई है। हल्दी के लिए साड़ी निकाल रही थी वगैरह वगैरह। बहुत सारे काम है यार। चूड़ियाँ वगैरह सेट करके रख दी हैं। अभी सारा कुछ बताऊंगी नहीं तो पता चल जाएगा कब क्या पहनने वाली हूँ, इसलिए। तो जाते हैं शॉप पे। डांस सिखाने वाले भैया भी आ गए, पर शॉप पे कस्टमर है तो जल्दी जाना पड़ेगा। लेके आए हैं अभी सिंगोड़े, और अभी हम तीनों जने खा रहे हैं सिंगाड़े। थोड़े से मेरे को भी दे दो ना। देखो आप कटलो आंटी जी कटलो होशियारे फ्रेम खराब आ रही हम कटी ने। अच्छे ही लगेंगे ना। पर चिकू सच में तो हर मौसम का फल खाना चाहिए, बीमारियां नहीं होती है। इस पर से फटाफट खा लिए। बहुत सारे कलर हो चुका है पूरा, बस ये आने जाने का थोड़ा स्पेस रहने दिया है। और कंप्लीट कलर हो चुका है। और मैं जा रही हूँ अभी शॉप पर। खाना वगैरह हो गया, शूज़ पहन लेती हूँ बस। अभी हेयर कट हो गया, आपने देखा होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और आते मैं तुरंत हेयर कटिंग करने बैठ गई थी, इसलिए मैंने आके कुछ भी नहीं बोला। मैं शॉप पे आ गई हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। तो अभी और वापस से क्लाइंट आने वाले हैं, तो थोड़ा बिजी चल रहा है शेड्यूल। और ये जितनी भी किचन से थक गई है। आज तो नाक वाला ज्योति ने न्यू पहना है, और इसके जीजू ने पसंद से लाके दिया हो चुके हैं। आप देख सकते हो कितने प्रॉपर स्ट्रेट हुए हैं बाल। कैसे लगे आपको बाल? अच्छे लगे, अच्छे लगे बाल। ओके, थैंक यू। ये आपने जो पूरा कॉम्बो परचेज किया है, मैं बता देती हूँ इसका क्या क्या प्रोसेस है लगाने का। इन्होंने सबसे पहले सनस्क्रीन परचेज कर रखी है, तो ये बाद में लेके पूरा कॉम्बो परचेज कर रहे हैं। और कॉम्बो पर ऑफर भी चल रहा है, वो भी 2 से 3 दिन के लिए ही है, तो आप जितना चाहो उतना जल्दी परचेज कर सकते हो। और इनके फेस के अकॉर्डिंग हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट दे दिया है। तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ फेस वॉश कैसे यूज़ करना है। फेस वॉश लेना है ड्राई हैंड्स में। हैंड है ना अपने, यानी गीले नहीं होने चाहिए। ड्राई हैंड में लेना है, अच्छे से टाइटली फेस पर मसाज करना है जब तक पूरा फेस में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो जाए। फिर थोड़ा पानी लेना है, फेस को अच्छे से मसाज करते हुए फेस वॉश करना है। और इसके ऊपर लिखा हुआ है फेशियल वॉश। जो भी फेशियल वॉश होते हैं उनका प्रॉपर यूज़ इसी तरीके से होता है। फिर आ जाता है टोनर। टोनर फेस साफ करने के लिए एक टॉवेल पूरा अलग ही रखना है, और ये टोनर आ गया। टोनर हैंड में लेना है एंड देन फेस पर डैप डैप कर देना है। फिर ये पेडिडेंट हाइड्रेशन क्रीम लगानी है, और वो भी सिर्फ एक ही पंप लगाना है, यानी इतना सा लगाना है, ठीक है। और ये पूरे फेस पर अच्छे से मसाज कर रहे हैं। फिर लगानी है सनस्क्रीन, और रात को फेस वॉश करना है, और फिर नाइट क्रीम लगानी है। नाइट क्रीम भी सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा लगाना है फेस पे अच्छे से मसाज करके, और फिर सोई करनी है, ठीक है। बाय। अभी जा रहे घर पे, और ये शिवानी दीदी को भी बाय बाय बोल दिया है। बाय। स्लो मोशन कर देंगे। अरे यार। और ये ज्योति भी जा रही है शिवानी के साथ। कब मोशन हो जाएगा फिर मारेगी, क्या मतलब है? फिर मुझे राघव जुएल की बहन बोलेगी, ठीक है। चलो चलते हैं। मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ? फोन देख लिए? ओके, बाय बाय। जोरदार लग रहा है ये हमारा होम स्वीट होम कंप्लीट सज चुका है। थोड़ी देर डांस सीख के आ जाती हूँ। घर पे आ गई हूँ, थोड़ी देर डांस सीख के आ जाती हूँ, फिर खाना वगैरह बनाऊँगी। खाना वगैरह सब कंप्लीट बन गया। डांस सीख के आ गई थी, तो मम्मी ने बेसन बना के रखा था और आटा गूंद के रखा था, तो मैंने आके पराठे बना दिए और सबने खा लिया है। और मम्मी का खाना बाकी है, क्योंकि मम्मी का टर्न है अभी डांस सीखने का। तो मम्मी गए खाना खाने डांस सीखने के लिए, इतने मैं खाना खा लेती हूँ और मम्मी को फिर भेजूँगी खाना खाने के लिए। तो अभी वापस से मैं जा रही हूँ खाना वगैरह सब खा के डांस के प्रिपरेशन के लिए। और क्या जोरदार लग रहा है यार बाहर, मस्त शानदार। अभी हम जा रहे हैं। ये सूरज भी अभी आएंगे डांस सीखने के लिए। हाँ बस खाओगे सब, यहाँ फोन में व्यस्त है, कोई भी डांस सीख रहा है। लाइन में लगे हुए हैं। अच्छा, हेलो दीदी का गए? अभी वो गया, अभी वो गया। बेटा ऐसे रही है। चलो बोलो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय डिसलाइक इज दिस चैनल। अच्छा ऑन हो गया वीडियो? तो ही सब पे नहीं, थोड़ा थोड़ा डालेंगे वो गाना। डांस वगैरह सीख लिया है और अभी अब सोने के लिए जा रही हूँ। नींद भी आ गई है और थक भी गए। बाहर बहुत अच्छा दिख रहा है ना, मस्त एकदम। घर पर आ गई हूँ, बस थक गई हूँ तो यहीं पर कर देती हूँ व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग यहाँ तक देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय।